तो चलिए दोस्तों, 11वीं क्लास के मैथ में एक बहुत खूबसूरत टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन है। दोस्तों चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं। आप लोग कलम और कॉपी लेकर बैठ जाइए और परम्यूटेशन का एकदम बेसिक बताना हम शुरू कर रहे हैं। यार एकदम दिल खोलकर इस टॉपिक को पढ़ाएंगे, बहुत मजा आएगा आपको इस क्लास में। तो चलिए सबसे पहले बेसिक पढ़ाएंगे। क्योंकि सर बेसिक पढ़ाएंगे, बिल्कुल, चूंकि बेसिक पढ़ाना मेरी मजबूरी नहीं, बेसिक पढ़ाना तो आप उनका आदत है। चलिए सबसे पहले इसमें जानेंगे, क्या जानेंगे, आराम से जानेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इसके बारे में जानेंगे। देखो भाई, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम दो पार्टों में बांटकर स्टडी करते हैं। कहीं सर जल्दी से नाम बता दीजिए, नहीं तो बवाल हो जाएगा। बवाल करोगे कहाँ पर, बवाल करोगे यार, जहाँ पर बवाल करना होता है वहाँ पर बवाल नहीं करते हो। सर कहाँ पर बवाल करनी चाहिए यार, पढ़ाई में करनी चाहिए। चलिए जो पहला है वो क्या है, यह है देखिए फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए इसके बारे में समझेंगे, फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के फेफड़ा किडनी दिल के बारे में स्टडी करेंगे। इसके कहीं सर इसका भी दिल है, इसके पास भी किडनी है, इसके पास भी फेफड़ा है, क्या है वो तो टाइम के अनुसार आपको पता चलेगा थोड़ी देर में। यार दूसरा क्या है, दूसरा यह है फंडामेंटल एडिशन। अब यहां पे देखिए एडिशन लिखे हैं, एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, क्या बात है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, पहले हम इसका झलक दिखाएंगे। चूंकि जब किसी का झलक देख लेते हैं ना यार, मजा आ जाता है। तो पहले मैं टेलर दिखाऊंगा, उसके बाद पिक्चर, तो वीडियो पर बने रहिए। चलिए यहां से इसको हटाते हैं और सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे एक नंबर फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग ये क्या है, आइए मैं बता रहा हूं। फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, आइए यहां पे समझते हैं। यार सबसे पहले यहां पे हम काम करते हैं, तीन डब्बा बना लेते हैं। कहीं सर ये तीनों डब्बा क्या है, अरे यार ये डब्बा बड़ा डब्बा मान लो, मान लेते हैं कि ए शनि देवल का घर है और ए आलिया भट्ट का घर है। कहीं सर शनि देवल के घर के बगल में आलिया भट्ट का घर है, यहाँ पे बवाल हो जाएगा, अरे कौन बवाल करेगा। और यहाँ पे देखिए ए सलमान खान का घर है, क्या बात है। और एक काम और करते हैं, शनि देवल के घर से आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए यहाँ पे दो रास्ते बनाते हैं, एक रास्ता यह और एक रास्ता यह। आपको जाना है तो आप किस रास्ते से जाओगे, कहेंगे सर मेरा बात ही कुछ अलग है। चलो यहाँ पे आलिया भट्ट के घर से सलमान खान के घर तक जाने के लिए यहाँ पे देखो तीन रास्ते बना दिए। और एक मेरा सवाल है आपसे, यार शनि देओल के घर से आलिया भट्ट के घर होते हुए सलमान खान के घर तक जानी है तो बताइए कुल कितने संभव रास्ते होंगे। सिंपल सी बात है, शनि देओल के घर से आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए कुल कितने संभव रास्ते हैं, एक एक दो, कोई भी रास्ते से आप जा सकते हो, संभव रास्ता दो होगा। आलिया भट्ट के घर से सलमान खान के घर तक जाने के लिए कुल कितने रास्ते हैं, तीन। और जब क्या करेंगे, हमें तो शनि देओल के घर से आलिया भट्ट के घर होते हुए सलमान खान के घर तक पहुंचनी है। तो दोस्तों शनि देओल के घर से सलमान खान के घर तक जाने के लिए कुल कितने वेज हो सकते हैं, तो हमें एक काम करना है, बीच में गुना का सिंबल दे देना है। जो आंसर आएगा, आंसर तो यहां पे सिक्स आया, तो यानी सिक्स वेज होगा, तो
तो जो ये आंसर आया यही आंसर क्या है, फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। इस सिद्धांत के अनुसार हम लोग का आंसर 6 मिला है। मतलब यहां पे समझिए कि इस सिद्धांत क्या कहता है कि यहां पे जब दो घटनाएं घटती है, जब दो या दो से अधिक यहां पे घटनाएं, जब दो या दो से अधिक डिफरेंट घटनाएं एक साथ घटती है, तो दोस्तों हमें ओवरऑल यहां से यहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी घटनाओं में मल्टीप्लीकेशन कर देना होगा, वही आपका आंसर आएगा। वही आंसर क्या कहलाएगा, मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसमें दो घटनाएं एक साथ होती है, यहां पे दो घटनाएं लिए, दो घटनाएं एक साथ हुई है, तब दोस्तों यानी टोटल यहां से यहां तक के लिए हमारे पास वेज कितने होंगे, तो यहां से यहां तक के लिए दो और यहां से यहां तक के लिए तीन, हम मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। इसको थोड़ा और बढ़िया समझते हैं यार। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे मान लेते राम है, यहां से यहां तक आया और यहां से यहां तक आनी है, तो यहां से इस रास्ते से जा सकता है या यहां से इस रास्ते से निकल सकता है या यहां से इस रास्ते से निकल सकता है, तीन रास्ता हो गया इसको जाने का। मान लेते यहां पे कोई लड़का है, इस रास्ते से आया यहां तक पहुंचनी है, इस रास्ते से हो सकता है कि चार चला जाएगा तो चार हो गया, इस रास्ते हो सकता है कि चला जाएगा पांच हो जाएगा, तीन तो पहले हुआ था, या इस रास्ते से जा सकता है तो छह तो हो ही गया, आंसर तो आपको मिल ही गया। बिल्कुल बात समझ में आ गया होगा आइडिया। चलिए एक और क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, इसको बनाइएगा। यहां पे सनी देओल का घर है आराम से, यहां पे देखिए आलिया भट्ट का घर है आराम से देखो, और यहां पे सलमान खान का घर है आराम से। बताना सनी देओल के घर से आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए यहां पर तीन रास्ते, आलिया भट्ट के घर से सलमान खान के घर तक जाने के लिए यहां पे देखिए चार रास्ते। सनी देओल के घर से आलिया भट्ट के घर होते हुए सलमान खान के घर तक पहुंचनी है, तो बताइए सनी देओल के घर से सलमान खान के घर तक जाने के लिए कुल कितने संभव रास्ते होंगे, कहीं सर निकाल लेंगे ना। बिल्कुल यहां पर दो घटनाएं एक साथ घटित हुई है, यानी फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है। तो हम क्या करेंगे, सनी देओल के घर से आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए कुल कितने संभव रास्ते हैं, तीन। आलिया भट्ट के घर से सलमान खान के घर तक जाने के लिए कुल कितने संभव रास्ते हैं, चार। जब मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 12 वेज हो जाएगा। कितनी सिंपल सी क्वेश्चन है। तो आइए यार इसको लिखते हैं, नहीं तो यहां से इसको हटाते हैं और यहां पर देखिएगा लिखेंगे इफ देयर आर एम डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग वन इवेंट्स एंड एन डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग अनदर इवेंट्स देन यहां पे देंगे द सिमुल्टेनियस ओक्यूज ऑफ दीज इवेंट्स विल बी गिवेन बाई एम गुने एन डिफरेंट वेज वही लिखे हैं कि यार इसमें क्या होगा, फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में हमें दो घटनाएं एक साथ घटित होंगी, तो दोस्तों फाइनल आपको रिजल्ट निकालना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों घटनाओं में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। दोनों घटनाएं यहां पे क्या होती है, डिफरेंट होती है और दोनों एक साथ घटती है, तो दोस्तों हमें टोटल निकालना होगा। तो क्या करना होगा दोनों इवेंट्स को हमें मल्टीप्लाई कर देना होगा, आंसर आपको मिल जाएगा। पहले ही आपको सॉल्व कर दिखाए थे, तो यहां पे इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये बहुत कमाल का टॉपिक है जो मैंने अभी आपको बताया। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ेंगे दो नंबर। देखिए दो नंबर क्या कहता है,
दो नंबर कमाल का टॉपिक है, कहता है फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आइए इसके बारे में समझेंगे। इसका भी पहले आपको झलक दिखा देते हैं, झलक देखे रहिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहीं सर इसका भी झलक दिखाइए, देखिए आराम से समझना, आराम से समझिएगा। देखिए ए सलमान खान का घर है और ए आलिया भट्ट का घर है। यहां पर भी ए सलमान खान का घर है और ए आलिया भट्ट का घर है। ए भी देखिए सलमान खान का घर है और ए आलिया भट्ट का घर है। आराम से समझना। देखिए यहां पर सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर जाने के लिए यहां पर चार रास्ते हैं, यानी बाई ट्रेन द्वारा। ट्रेन के कितने रास्ते हैं जी? चार रास्ते हैं। सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए कुल कितने वेज है? फोर वेज है। और सलमान खान के घर से यहां पे देखिएगा आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए बाई बस, यहां पे देखिए थ्री वेज है। और यहां पर देखिए सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए बाई एरोप्लेन टू वेज है। अब यार मेरे एक सवाल है कि सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए कुल कितने रास्ते होंगे? तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से। तो देखिए यहां पे लिखेंगे कि हमें सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर तक जाने के लिए कुल कितने संभव रास्ते होंगे, मतलब नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम, नंबर ऑफ वेज टू गो फ्रॉम सलमान खान हाउस टू आलिया भट्ट हाउस, आलिया भट्ट हाउस कितने रास्ते होंगे? यार यहां पे तो हमें ऐड करना होगा, सिंपल सी बात है, कोई बताएगा कि देखिएगा सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर जाने के लिए यहां पे चार वेज है, फोर वेज है बाय ट्रेन। यहां पे फिर सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर जाने के लिए थ्री वेज है बाय बस, और सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर जाने का दो वेज है बाय एरोप्लेन। तो नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ यहां पर टोटल वेज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल वेज टू गो फ्रॉम सलमान खान हाउसेस टू आलिया भट्ट हाउसेस। तो सबको यहां पे ऐड करना पड़ेगा ना, यहां पर फोर, यहां पर थ्री और यहां पे टू, इनको ऐड कर, यहां पर क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो फोर वेज प्लस थ्री वेज आप प्लस टू वेज, दोस्तों जब हम ऐड कर लेंगे तो आपको कितना आंसर मिलेगा? नाइन वेज मिलेगा। कितना मिलेगा? नाइन वेज। तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। आइए इसको भी लिख लेते हैं। अब जैसे मैंने बनाया इसी को इंग्लिश लैंग्वेज में लिख लेनी है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे सर इफ देयर आर एम डिफरेंट वेज ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग वन इवेंट्स एंड एन डिफरेंट वेज ऑफ काउंट एंड डिफरेंट ए वेज ऑफ, यहां पे डूइंग ना होगा, डूइंग वन इवेंट्स
एंड एन डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग सेम इवेंट. यहां पे देखिएगा सेम इवेंट्स, देखिएगा आपको कहां से कहां तक जानी थी. आपको सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर जानी थी बाई हमने ट्रेन दिखाया. फिर अगला स्टेप में सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर जानी थी बाई बस. आगे आपको सलमान खान के घर से आलिया भट्ट के घर जानी थी किससे, बाई एरोप्लेन. इसलिए यहां पर लिखे हैं कि एन डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग सेम इवेंट्स इवेंट्स देन द नंबर ऑफ वेज इन विच इवेंट्स कैन बी डूइंग विल बी कैन बी डूइंग कैन बी डूइंग इज गिवेन बाई एम प्लस एन. यहां पे हमें ऐड करना होगा एम प्लस एन डिफरेंट वेज डिफरेंट वेज. तो मुझे लगता है कि दोस्तों ये बातें समझ में आ गई होंगी. जो वहां पे एग्जांपल में आपको बताया वही इसको इंग्लिश में लिख दिए. तो दोस्तों उम्मीद है कि यहां तक आपको वीडियो समझ में आ गई होंगी. तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा. तो चलिए दोस्तों क्लास यहीं पर रखते हैं.